पैसे जमा करके पाकिस्तानी का ऑपरेशन किया सो so, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है आइए इस बारे में जानते हैं लेट्स स्टार्ट वीडियो। वन टू थ्री बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजिन आप देख रहे हैं डिजिटल धावा नेटवर्क और मैं हूं हमद हमीद नाजिन भारत जो पाकिस्तान का असली दुश्मन है पहले दिन से आज तक उसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ही निभाई है कोई ऐसा मौका उसने हाथ से नहीं जाने दिया कि जिसमें उसने पाकिस्तान के साथ अपने दुश्मनी का इजहार ना किया हो वो बातों से वो अपने कामों से वो अपनी हरकतों से उसने हमेशा मुसलमान पाकिस्तान को अपनी दुश्मनी का निशाना बनाया उससे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती अगर आज एक ऐसी न्यूज ऐसी खबर वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो है कि भारत की है मगर वो भारत की सरकारी सतह की वो खबर नहीं है सरकारी सतह पर ही शायद ऐसा मामला कभी ना होता म... ये एक प्राइवेट भारतीय एनजीओ का कारनामा है कि उसने एक भारतीय उनहत्तर साल भारतीय शख्स का दिल एक पाकिस्तानी उन्नीस साल लड़की को लगा दिया ना सिंह यह एक खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है इस खबर की हकीकत क्या है वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा नाजिन भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की शहरी कराची की रहने वाली लड़की आयशा को पहली बार 2019 में भारत के शहर चिनाई लाया गया उसकी वजह के के बजे थे बाकी उसका दिल बिल्कुल डेड हो चुका था बिल्कुल काम नहीं कर रहा था डॉक्टर्स ने उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करने का मशवरा दिया और पाकिस्तान में ये ऑपरेट नहीं होता हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता तो उसके लिए उसको फिर कराची शहर से इंडिया के शहर चेन्नई लाया गया वहाँ पर उसको भेजा गया जब वहाँ पर पहुँची तो डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अभी उनके पास दिल कोई मौजूद नहीं है कि जिसका दिल किसी इसका दिल तब्दील कर दिया जाए तो उसको एक उसको फिर एक डिवाइस लगा दी गई जो उसके दिल को एक्टिव रखती थी उसके दिल को हरकत पर रखती थी जिसकी वजह से उसने चार साल गुजार दिए और चार साल उस डिवाइस के साथ वो लड़की ज़िंदा रही ये सिर्फ भारतीय डॉक्टर्स की वजह से थी कि उन्होंने डिवाइस लगाई और वो पाकिस्तानी लड़की आयशा वो चार साल तक जिंदा रही उस डिवाइस के साथ जो डिवाइस आप तस्वीर पे भी देख रहे हैं आप वीडियो में अब हुआ ये कि उसकी वो डिवाइस लीक हो गई उसके दिल ने फिर काम करना बंद कर दिया तो फिर उसे एमरजेंसी तौर पर दोबारा इंडिया भेजा गया चेन्नई वो पहुंची वहां पर जब पहुंची तो वहां पर उसको पता चला कि उसके उसका दिल तब्दील किया जाएगा हार्ट ट्रांसप्लांट अब उसका हर सूरत होगा अब इसको नहीं किया जा सकता तो उसने डॉक्टर्स को बताया कि उसके पास तो इतने अखराज नहीं हैं वो नहीं। इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकती इसके अखराजात नहीं उठा सकती कि वो किसी शख्स का दिल खरीदे और फिर अपने जिसम में वो दिल को लगवाए तो फिर भारतीय डॉक्टर्स ने मिलकर फंड इकट्ठा किया पैसे इकट्ठे किए और फिर एक शख्स ढूंढा उनहत्तर साल भारतीय शख्स ढूंढा गया उसने फिर वो दिल अपना सेल किया दिल बेचा उसका फिर दिल निकाल कर इस आयशा नामी लड़की मतलब? जो कराची से भारतीय शहर चिनाई गई थी उसको लगाया गया सिर्फ इकतीस जनवरी को उसका हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ और फिर वो वहीं हॉस्पिटल में रुकी रही उसका मुआयना किया जाता रहा तो फिर आखिर 17 अप्रैल को 17 अप्रैल को उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो फिर आयशा भारत के शहर चेन्नई से पाकिस्तान पहुंच गई नाजि ये एक वाकया है भारत के अच्छे किरदार का हमेशा भारत ने पाकिस्तानियों के साथ दुश्मनी ही निकाली चाहे वो भारतीय हुकूमत हो या चाहे भारतीय वो शहरी हो उन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों के साथ हमेशा दुश्मनी को ही आ, अपना इजहार किया दुश्मनी का ही इजहार किया उन्होंने कभी पाकिस्तानियों की पाकिस्तान की खैर खाही नहीं सोची मगर ये एक अच्छा वाक्य है हर अच्छे काम को अप्रिश जरूर करना चाहिए वो चाहे दुश्मन ही करे तो ये एक हमारे दुश्मन का एक अच्छा काम था जिसको अप्रीशिएट करना लाजमी बनता है कि उसने एक पाकिस्तानी की जान बचाई भारत के शहरी डॉक्टर्स ने उन्होंने एक भारतीय एक पाकिस्तानी लड़की नौजवान लड़की जिसकी अभी उम्र 19 साल ही थी उसका हार्ट का ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई उसको एक नई जिंदगी दी तो ये एक अच्छा काम है जो भारत ने आज इस साल में किया जो शायद तारीख में याद रखा जाएगा सो so, जैसे उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि भारत का ये एक बहुत बड़ा काम है बहुत अच्छा काम किया है और ये इंसानियत की कोई बाउंड्रीज नहीं होती कोई आ, रिलीजन नहीं होती किसी भी इंसान को अगर ज़रूरत है अगर उसकी लाइफ उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है तो उसकी मदद कर देनी चाहिए चाहे वो किसी ए, किसी भी मुल्क का के हो किसी भी मज़हब के हो अगर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है अगर वो उसकी जान कोई बचा सकता है तो बिल्कुल उसको बचानी चाहिए ये ह्यूमैनिटी का फ़र्ज़ है हर ह्यूमन पर फ़र्ज़ होता है कि वो ह्यूमेनिटी को देख जो है वो अगर किसी को उसकी ज़रूरत है अगर उसके हाथ में है कि वो किसी इंसान की ज़िंदगी बचाए तो वो बिल्कुल उसको कर देना चाहिए और वही किया है इंडियन डॉक्टर्स ने इस पाकिस्तानी लड़की की ज़िंदगी बचा ली आ, ये ऑपरेशन करके जो है उन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तानी है मुस्लिम है क्या है एक इंसान के सूरत में उन्होंने देखा है कि ये एक इंसान है जिसको एक ऑपरेशन की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए तो उन्होंने कर कर लिया है तो ये इंडियन डॉक्टर्स का एक बहुत अच्छा जेस्टर है और इसमें इस, इस वीडियो में बताया कि उन्होंने ढूंढा किसी को जिसने अपना हा, हार्ट अपना दिल बेचा है तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि कोई जिंदा इंसान कैसे अपना दिल बेच सकता है मतलब वो जिंदा थे और उन्होंने बेच के अपना दिल बेचा है ये क्या है मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि नॉर्मली दिल जो है वो किसी मुर्दे इंसान से जो अभी नया नया मरा है और उसका दिल ब... सही हालत में है उसका दिल लिया जाता है लेकिन इसमें इस, इस वीडियो में बताया है कि वो उन्होंने एक शख्स को ढूंढा जिसने अपना दिल बेचा है मतलब जिंदा होने की हालत में जो है उन्होंने अपना दिल बेचा है या क्या है मुझे ये पॉइंट जो है मुझे समझ में नहीं आया अगर आपके पास कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो लाजमी कॉमेंट्स में बताइएगा तो अगेन आई से कि ह्यूमैनिटी की कोई बाउंड्रीज़ कोई रिलीजन नहीं होती जहाँ इंसानियत को हेल्प की ज़रूरत होती है जहाँ किसी की जान खतरे में खतरे में होती है तो उसको हेल्प कर देनी चाहिए और डॉक्टर्स ने इंडियन डॉक्टर्स ने यह काम किया है उनको सलाम क्योंकि उन्होंने ह्यूमैनिटी के खातिर उन्होंने ये काम किया है उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लड़की कहाँ से आई है किस मज़हब से है उन्होंने बस ये देखा है कि ये एक इंसान है जिसको हेल्प की ज़रूरत है जिसकी जान बचानी है सो so, ये थी आज की वीडियो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी बाकी आप इसके बारे में क्या आपकी क्या राय है आप कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा एंड सी यू डी नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा फी अमन